हेलो एवरीवन, एक नए मॉडल पेपर में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन करेंगे पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान का मॉडल पेपर, और पॉलिटिकल साइंस का ये हमारा सातवां मॉडल पेपर है। सातवें मॉडल पेपर का ये पहला भाग हम आज के इस वीडियो में पहला पार्ट इसका करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं खंड अ। खंड अ में हमारा पहला प्रश्न है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं कि वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कितने सदस्य देश हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन में सदस्य राष्ट्र कितने हैं वर्तमान में, आपको बताना है। ऑप्शन ए के 117, ऑप्शन ब है 116, ऑप्शन स है 120 और ऑप्शन द है 115। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन स, 120 सदस्य राष्ट्र वर्तमान में जो हैं वो इसके हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन के। नेक्स्ट हमारा अगला दूसरा प्रश्न है, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी किस सन में खड़ी की गई थी। ऑप्शन ए के 1961 में, ऑप्शन ब है 1971 में, ऑप्शन स है 1951 में और ऑप्शन द है 1981 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, 1961 में, है ना। राइट आंसर है 1961 में बर्लिन की दीवार जो है वो खड़ी की गई थी पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी के बीच में। नेक्स्ट हमारा अगला तीसरा प्रश्न है कि सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन एक है कि सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवादी प्रभावी विचारधारा थी। ऑप्शन ब है कि उत्पादन के साधनों पर राज्यों का स्वामित्व या नियंत्रण होता था, जनता को आर्थिक आज़ादी थी, और ऑप्शन द है अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स कि जनता को आर्थिक आज़ादी थी। तो ये कथन गलत है, जनता को आर्थिक आज़ादी बिल्कुल भी नहीं थी, और बाकी तीनों कथन इसके बारे में सही हैं। नेक्स्ट अगला चौथा हमारा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम है, परिणाम नहीं है, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है। तो ऑप्शन एक है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत हुआ, ऑप्शन ब है स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म हुआ, ऑप्शन स है विश्व व्यवस्था के शक्ति संतुलन में बदलाव हुआ, और ऑप्शन द है मध्य पूर्व में संकट। तो देखिए, ये जो इन दोनों के बीच में जो शीतयुद्ध चल रहा था और उसके बाद में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो विघटन के परिणाम स्वरूप ऑप्शन द रहेगा कि मध्य पूर्व में संकट पैदा हुआ, ऐसा कोई संकट पैदा नहीं हुआ। तो यह कथन गलत है, और बाकी ये सारे के सारे कथन इसके बारे में सही है। इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन द। प्रिय विद्यार्थियों, मैं बता दूं कि जो अपन मॉडल पेपर कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के, इसके हमने कंप्लीट 10 मॉडल पेपर्स, 10 मॉडल पेपर्स जो है बनाए हैं, और 10-10 मॉडल पेपर अगर आप एक ही जगह पर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कंप्लीट 10 मॉडल पेपर मिलेंगे पॉलिटिकल साइंस के, 10 मॉडल पेपर हिस्ट्री के, 10 मॉडल पेपर हिंदी कंपलसरी, 10 मॉडल पेपर आपको मिलेंगे ज्योग्राफी के। मतलब इस तरीके से हमने 10-10 मॉडल पेपर्स वहां पर अवेलेबल करा दिए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च करी है, है ना। 30-30 टेस्ट आपको मिलेंगे प्रत्येक सब्जेक्ट में। तो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं अपनी तैयारी, मतलब आपको बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से आपको टेस्ट, जो क्वेश्चन आपके आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, वो क्वेश्चन आपको वहां पर मिलेंगे। तो अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो हमने कंप्लीट इसका एक टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी लॉन्च, ये आपको हमारे ऐप में मिलेगी। आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको ये टेस्ट सीरीज जो है वो मिल जाएगी। ये जो हमने बाकी सब्जेक्ट भी हम लॉन्च कर रहे हैं, बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी लाइव क्लास रहती है रेगुलरली शाम को 8 बजे, तो आप लाइव क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका कार्यकाल आपको बताना है, 51 से 56, 52 से 57, 55 से 60 या फिर 47 से 52। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन अ, 51 से 56। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना भारत में लागू हुई थी। 5-5 वर्ष की योजना जो बनाई जाती थी, योजना आयोग इसका निर्देशन करता था।
नेक्स्ट हमारा अगला छठा प्रश्न है, निम्न राजनीतिक दलों में से नया राजनीतिक दल कौन सा है, मतलब लेटेस्ट सबसे बाद में बना हुआ है ना, वर्तमान में कौन सा जो वो बना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन ब है भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन स है बहुजन समाज पार्टी और ऑप्शन द है आम आदमी पार्टी। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी को पता है, राइट आंसर है ऑप्शन द आम आदमी पार्टी, आप है ना, जो जिनकी दिल्ली में सरकार है, जिनकी पंजाब में सरकार है, तो ये जो आम आदमी पार्टी की जो पार्टी जो है ये सबसे नई राजनीतिक पार्टी है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो है सातवां कि गांधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश किसने की थी। चार ऑप्शन है आपके सामने, आंसर बताइएगा। ऑप्शन ए के जेसी कुमारप्पा, ऑप्शन ब है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन स है महात्मा गांधी और ऑप्शन द है पीसी महलनोबिस। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही जवाब रहेगा कि के सी कुमारप्पा, इन्होंने गांधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश की थी, सही जवाब है ऑप्शन अ। नेक्स्ट अगला है हमारा आठवां प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाई गई। ऑप्शन एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन ब है मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन स है समाजवादी अर्थव्यवस्था और ऑप्शन द है ये सभी। तो भारत में जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं ली है, कुछ समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं ली है, तो इस तरीके से दोनों का मिला जुला रूप भारत में अपनाया है, इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। नेक्स्ट आपका नवा प्रश्न है कि निम्न में से भारत के किस राज्य को नेफा कहा जाता था, नेफा के नाम से किस राज्य को संबोधित किया जाता था। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन ब है बिहार, ऑप्शन स है अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन द है हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा अरुणाचल प्रदेश को जो है वो नेफा के नाम से जाना जाता था, राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन स। नेक्स्ट आपका दसवां प्रश्न है कि निम्न में से किस वर्ष मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा का गठन हुआ था, इन तीनों राज्यों का गठन कब हुआ था। ऑप्शन एक है 1972 में, ऑप्शन ब है 1900, ऑप्शन स है 1975 में, ऑप्शन राइट है इसका ऑप्शन द है 1980 में और ऑप्शन ब है इसका 1971 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन अ 1972 में, राइट आंसर है 1972 में जो है वो मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा राज्यों का गठन हुआ था। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का डाउट है, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में अगर आप अपने डाउट को क्लियर करना चाहते हैं, तो हमारी रेगुलर शाम को 8 बजे लाइव क्लास होती है, जहां पर हम हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो शाम को 8 बजे लाइव क्लास में जरूर जुड़िएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला हमारा प्रश्न है 11वां कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना ऑप्शन एक है 2010 में, ऑप्शन ब है 2012 में, ऑप्शन स है 2015 में और ऑप्शन द है 2017 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा ऑप्शन, इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन स 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इससे पहले आप सबको पता है योजना आयोग था और इस योजना आयोग को भंग करके अब नीति आयोग की स्थापना की गई है। नेक्स्ट अगला 12वां प्रश्न है कि 1977 का आम चुनाव विपक्ष ने जिस नारे से लड़ा था वो नारा क्या था। ऑप्शन एक है गरीबी हटाओ, ऑप्शन ब है कांग्रेस हटाओ, ऑप्शन स है लोकतंत्र बचाओ और ऑप्शन द है जय जवान जय किसान। तो इस प्रश्न का सही जवाब रहेगा लोकतंत्र बचाओ, है ना। कांग्रेस, ये तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था, आपको याद होगा, और इसके बाद में जो लोकतंत्र बचाओ का नारा जो है वो दिया गया था 1977 के आम चुनाव में, जय जवान जय किसान का नारा शास्त्री जी ने दिया था, ठीक है। तो अब हम रिक्त स्थान वाले, आगे जो हमारे प्रश्न है वो है रिक्त स्थान वाले, ऑब्जेक्टिव टाइप के हमने कंप्लीट पूरे कर लिए। तो ये जो 12 प्रश्न हमने किए हैं, आपके 12 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे, उसके बाद में आपके 6 प्रश्न आएंगे रिक्त स्थान वाले। तो आइए करते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न, इसका भी अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न है विश्व बैंक की स्थापना में हुई थी, विश्व बैंक की स्थापना किस सन में हुई थी। तो आपको पता होना चाहिए विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, ठीक है, 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है वैश्विक ताप वृद्धि से सर्वाधिक नुकसान नाम देश को उठाना पड़ेगा। तो वैश्विक जो ताप वृद्धि हो रही है और इस वैश्विक ताप वृद्धि की वजह से जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं और उनका पानी जो है वो नदियों के माध्यम से समुद्र में जा रहा है, तो समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ रहा है और इस वजह से जो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वो होगा मालदीव को, क्योंकि मालदीव समुद्र तल से
समुद्र तल से बिल्कुल उसके लेवल के आसपास या बसा हुआ है, तो जो लेवल बढ़ेगा जब पानी का तो मालदीव जो है वो पहले डूबेगा। नेक्स्ट अगला तीसरा प्रश्न है, 1952 के पहले आम चुनाव में लोकसभा के साथ साथ के लिए भी चुनाव कराए गए थे, तो लोकसभा के साथ साथ 1952 में जो है वो राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी करवाए गए थे। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद कौन सा होता है, तो महासचिव होता है, सबको पता है। और अगला हमारा पांचवा प्रश्न है कि सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर सरकार ने आपातकाल के दौरान और जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया था। आपातकाल के दौरान एक तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है ना RSS पर, और साथ ही साथ एक जमात ए इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुस्लिम महिला अधिनियम पास किया गया था 1986 में, ये जो है वो अधिनियम पास किया गया था। तो ये हमने 6 प्रश्न किए हैं रिक्तिस्थान वाले और 12 प्रश्न किए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। इसके बाद में फिर अति लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे 12, तो अति लघुतरात्मक प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। और ये जो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इसका सेकेंड पार्ट लेकर के, तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।